दोस्तों कप्तान MS धोनी ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। ये प्लेइंग 11 इतनी खतरनाक है कि जिसे देखकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या सदमे में पड़ जाएंगे। धोनी ने इस प्लेइंग 11 में एक मैच विनर खिलाड़ी की एंट्री कराई है जो अपने अकेले दम पर CSK को मैच जिताने का दम रखता है। और इस प्लेइंग 11 में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी शामिल है जो गुजरात टाइटंस को पहले मुकाबले में मिट्टी में मिला सकते हैं। क्या है प्लेइंग 11 आगे आपको इस वीडियो में पता चलेगा, इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप भी MS धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों आपको बता दें इंडियन प्रीमियर लीग की 16वें सीजन का आगाज 31 मार्च से होगा। सीजन का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मौजूदा चैंपियंस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। चेन्नई के पास 4 IPL ट्रॉफी है जबकि गुजरात पहली बार में ही चैंपियन बना है, इसलिए मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। और इस मुकाबले में MS धोनी ने खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है जो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों CSK में आपको ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड कॉनबे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ये दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक माने जाते हैं। तो वहीं वन डाउन यानी कि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आएंगे अंबाती रायडू। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रायडू खतरनाक बल्लेबाजी के साथ साथ एक मैच जिताऊ पारी भी खेलने का दम रखते हैं। नंबर 4 पर ऑलराउंडर मोइन अली को मौका मिलेगा जो गेंद और बैट से काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं नंबर 5 पर दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर वेन स्टोक आएंगे जो कि इस टीम के मेन ताकत होंगे। और नंबर 6 पर खुद कप्तान MS धोनी उतरेंगे। तो वहीं नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा व नंबर 8 पर शिवम मावी आएंगे जो कि टीम की दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे। और मुख्य स्पिनर के तौर पर श्रीलंका के महेश तीछड़ा को मौका मिलेगा। तो वहीं पेस अटैक का भार दीपक चाहर और समीर पर होगा। तो CSK की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से होगी जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।